चलिए भाई नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो यूपी उत्कर्ष पे आप सबका दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि 2 बज गए हैं, 2 बजे से हमारी क्लास दोस्तों शुरू हो जाती है। तो आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब। तो होली आपकी बहुत अच्छी जाएगी और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। ठीक है ना, सारे लोग तैयार हो जाएं। भाई कौन कौन आ चुका है एक बार जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं और जल्दी से आप सब फटाफट यहां पर आ जाएं। ठीक है ना, चलिए जल्दी से कौन कौन आ चुका है भाई। चलिए तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 2 बजे से जो क्लास चलती है साइंस की क्लास है, और साइंस की ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्लास नहीं। ये भी मत समझना कि ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्लास है। जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, उन सब एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया भाई। अभिषेक, आयुषी, रीमा, सबका स्वागत है। बाबू अनितेश, सबको स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। ध्यान से देखिए अपना पहला क्वेश्चन। क्षय रोग के उपचार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाने वाला टीका है। क्षय रोग का मतलब समझते हैं ना आप दोस्तों, ट्यूबर क्लोसिस भी कहा जाता है। क्षय रोग को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो ट्यूबर क्लोसिस भी कहते हैं। क्षय रोग इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबर क्लोसिस। तो उसके टीका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और नीचे देखिए आप लोग को होली हंगामा भी ब्लिंक कर रहा होगा कि किस से 28 मार्च 2024 होली के इस शुभ अवसर पर आप सबके लिए गाइज एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है। और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, तो उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज हैं 90% तक की उसमें दोस्तों छूट है। तो उसका फायदा भी आप दोस्तों ले सकते हैं। तो क्षय रोग के उपचार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। क्षय रोग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबर क्लोसिस किससे होता है। ट्यूबर क्लोसिस दोस्तों होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस 24 मार्च को हम 6 दिवस के रूप में भी दोस्तों मनाते हैं। और याद रखना जो पहला टीका, कुछ लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं। डीपीटी जो टीका है ना, पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टुसिस या काली खांसी। तो आप देख सकते हैं कि ये टीबी की वैक्सीन नहीं है। जो ए जवाब दे रहे हैं सबका गलत है भैया। टी फॉर होता है गाइस टिटनेस, या धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। तो इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। तो डीपीटी तो हो गया गाइस गलत। ठीक है ना, ओके सर। तो सही क्या है सर, बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं संध्या, आरुषि, इन लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या नाम होता है इसका, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है ना, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये बीसीजी का जो टीका है ना दोस्तों, यह टीबी के लिए दोस्तों जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, टैब, टैब जो होती है एक तरीके से टेस्ट है दोस्तों किसका, टाइफॉइड वगैरह का। क्लोरोक्विन एक मलेरिया में यूज की जाने वाली दवा थी जिसको अब पहले यूज किया, पहले यूज नहीं किया जाता था, अब इसको यूज किया जाता है। पहले क्या यूज करते थे हम लोग, कुनैन, सिंकोना पेड़ की छाल से निकालते थे ना कुनैन। अब हम लोग कुनैन की जगह दोस्तों क्या यूज करते हैं, तो अब हम लोग कुनैन की जगह दोस्तों यूज करते हैं क्लोरोक्विन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। लैंगरहंस के अल्फा कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्राव होता है, ग्लूकागन, इंसुलिन, सोमाटोस्टेटिन या ग्रेलिन। जल्दी से बताइए।
लैंगरेंस की अल्फा कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्रावण होता है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि लैंगरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले एक जवाब सुनिए, क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। ये होता है आपका दोस्तों पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब होता है दोस्तों अग्नाशय। एक वैज्ञानिक थे, मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप लोग ABCD जो आंसर दे रहे हैं मैं सब बताता हूँ कौन सा सही है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैंगरहैंस। एक वैज्ञानिक है जिनका क्या नाम है बाबू, तो इनका नाम है लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना? ओके सर, लैंगरहैंस वैज्ञानिक है, ओके ठीक है सर, और आगे बताइए सर। तो इन्होंने सबसे पहले पैंक्रियाज पर अध्ययन किया। तो जब इन्होंने पैंक्रियाज पर अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि पैंक्रियाज में एक ऐसा स्थान है जहां पर कोशिकाओं का एक समूह उपस्थित है। किसने खोजा? लैंगरहैंस साहब ने खोजा कोशिकाओं का एक समूह। तो इन्होंने अपने नाम पर इसको नाम दे दिया क्या, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम दिया इसको? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस दोस्तों बनी होती है किससे? तीन प्रकार की कोशिकाओं से। एक होती अल्फा सेल, एक होती बीटा सेल और एक होती गामा सेल। तीनों सेल से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन। तो सही दोस्तों जवाब क्या हो गया? इंसुलिन। तो सही जवाब ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। और के बारे में बताया जाए, चलिए आइए मैं काम भी बता देता हूं। इंसुलिन हार्मोन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इंसुलिन हार्मोन क्या है। किसका किसका जवाब आया भाई? सोनू सिंह, सतीश पटेल, बहुत बढ़िया सब। अब तुम लोग आंसर देने के बाद तो तुम लोग जवाब देते हो यार, आधे ज्यादा तो चीटर है। यहाँ जो ऑप्शन मैं बता दूंगा वही ऑप्शन वो कॉपी कर लेते हैं, ये बहुत गलत बात है बाबू, ठीक है? चांदनी प्रद्युमन जाट, ओके सर। तो सही जवाब है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इंसुलिन का बेसिक काम होता है दोस्तों, अधिक मात्रा में जो उपस्थित ग्लूकोज होती है उसको ये ग्लाइकोजन में चेंज करता है। जब आप दूध हरिया खा के सो जाते हैं तो अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनती है, और उस ग्लूकोज का रात में जब कोई काम नहीं होता है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन चेंज करके लीवर में स्टोर कर देता है। ग्लूकागन का जस्ट उल्टा काम है। ग्लूकागन क्या करता है? वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करेगा। सोमेटोस्टेटिन इन दोनों हार्मोन को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। एक व्यक्ति यदि भोजन के रूप में केवल दूध अंडा तथा रोटी का ही सेवन करता है तो सामान्यतः वह किस रोग से ग्रसित होगा? बेरी बेरी, एनीमिया, पेलाग्रा या स्कर्वी? जल्दी से बताना। यदि कोई व्यक्ति भोजन के रूप में केवल दूध ले रहा है, अंडा ले रहा है और रोटी ले रहा है तो सामान्यतः वह किस रोग से ग्रसित होगा? जल्दी से आपको जवाब देना है दोस्तों। एनीमिया से, पेलाग्रा से, स्कर्वी से या बेरी बेरी से? जवाब दीजिए भाई, किसका जवाब आ रहा है? प्रमोद पाणे, सोनू, जल्दी जल्दी जवाब दे। शकीना जी भी हैं, ओके फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए भाई। चलिए भाई आइए देखते हैं कि क्या जवाब आया, किसका किसका जवाब आ गया भाई। अवधेश कुमार, सोनू, राजू, आयुषी चौरसिया, कीर्ति यादव, शशि वर्मा, राहुल, सबका जवाब आया है। देखिए एक व्यक्ति यदि भोजन के रूप में तो केवल दूध ले रहा है, अब बताओ दूध से प्रोटीन मिल रही कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है सर। कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है बाबू, बिल्कुल मिल रहा है। अंडा यदि कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसे प्रोटीन मिल रहा है, उसे थोड़ा बहुत वसा भी मिल जा रहा है। रोटी एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएगा रोटी दोस्तों? रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से टोटली मिलेगा। बेरी बेरी किस रोग से? बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। B1 तो साबुत अनाज में होता है, रोटी वोटी गेहूं खा रहे हैं आप तो इसकी कमी तो होगी नहीं।
पहला ग्रह होता है दोस्तों बी3 की कमी से, ये भी आपको मिल जा रहा है, अंडा वंडा खा रहे हैं, दूध वूध खा रहे हैं। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, है ना। अब जरा मुझे बताना, इसमें से क्या रोटी में विटामिन सी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अंडा विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता है। दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो स्कर्वी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी जब तक खट्टे फल आप नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां जब तक आप नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाएंगे, आंवला वगैरह नहीं खाएंगे, तब तक आपको दोस्तों विटामिन सी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कौन सी बीमारी हो सकती है दोस्तों? तो स्कर्वी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हालांकि दूध में आयरन भी नहीं मिलता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एपिग्राफी, शिलालेख संबंधित अध्ययन, एपिकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। फटाफट जवाब देना है कि कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है, जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, क्या जवाब हो जाएगा इसका? जल्दी जल्दी बताओ भैया। चलिए आइए देखते हैं किसका किसका जवाब आ गया। भैया सोनम मौर्य, आयुषी, गीता किशोर, सोनू सिंह, वेदांत, सबका जवाब आया है। मनीष चौहान, रिशु जी, आइए देखते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी मतलब एक तरीके से खुदाई, शिलालेख से संबंधित अध्ययन, बिल्कुल सही है। एपिकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन, एपिकल्चर बिल्कुल सही है। विटी कल्चर भी होता है तो अंगूर वाला हो जाता है, तो कल्चर मतलब भी पालन वाला होता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी जो दिया ना हड्डियों का अध्ययन, ये बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि हड्डियों के अध्ययन को गाइस बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो चलो जल्दी से बता दो ऑर्निथोलॉजी किसको बोलेंगे? तो ऑर्निथोलॉजी और ऑर्थिनोलॉजी दो होते हैं, याद रखना। ऑर्निथोलॉजी और ऑर्थिनोलॉजी कितने होते हैं? दो होते हैं दोस्तों। तो ऑर्निथोलॉजी बेसिकली होता है क्या? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स को दोस्तों क्या बोलते हैं? पक्षियों के अध्ययन को गाइस कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्लियर है बाबू? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। चलिए ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, क्लियर है। नेक्स्ट पे चले आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है? इससे आसान क्वेश्चन दोस्तों आज का नहीं है, तो जल्दी से बता दीजिए पित्त कहां से निकलता है? फटाफट जवाब आना चाहिए भाई। यकृत से, अमाशय से, अग्नाशय से, या लघ्वत्राग्स रे, मतलब एक तरीके से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहा है। फटाफट जवाब दीजिए भाई। रोहित गिरी कह रहे हैं मिस यू बाबू सोना। अच्छा बाबू सोना बिल्कुल नहीं करना है बाबू, पढ़ो नहीं तो बाबू सोना कोई काम नहीं आएगा, ध्यान रखना, एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए भैया, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चला जाए, आइए देखते हैं पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। तो आप सबको पता है कि पित्त रस को दोस्तों बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलेंगे जी? तो इसको बोलेंगे बाइल जूस। पित्त रस का एक ही काम होता है, इसका पीएच अगर आप देखेंगे ना 7.1 से लेकर करीब करीब दोस्तों कितना होता है 7.7 तक, और इसका एक ही काम है, क्या करता है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। अब आप सोचेंगे सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब दोस्तों होता है वसा का इमल्सीकरण। क्या मतलब इसका? तो वसा का इमल्सीकरण इसका मतलब है, वसा के इमल्सीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बड़े वसा को क्या करता है ये? बड़े वसा को छोटे वसा में परिवर्तित करने का काम करता है। बड़े वसा को छोटे वसा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, इसे हम बोलते हैं क्या? इमल्सिफिकेशन। तो सही जवाब हो जाएगा यकृत। और आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर देखा जाए दोस्तों तो यकृत ही है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, यकृत बिल्कुल भी पाचन का कोई कार्य नहीं करती, इस बात पर भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आप कहेंगे क्या सर यकृत डाइजेशन नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता है, यकृत से कोई भी पाचन संबंधित कार्य
नहीं होता है, ठीक है। अमाशय, अमाशय दोस्तों होता है स्टमक, स्टमक आपको पता है खाना यहाँ पे रुकता है। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सजीव निर्जीव जगत के मध्य की कड़ी के रूप में किसे कहा जाता है, जीवाणु, विषाणु, ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा, जल्दी से जवाब देना है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन होता है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। राधे राधे भैया, नमस्ते, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी बताओ भैया क्या जवाब हो जाएगा। सजीव और निर्जीव, सजीव का मतलब होता है लिविंग, बहुत सारे लोग का जवाब आ रहा है, कौन कौन जवाब दिया, आयुषी चौरसिया, सोनू, रीसु, सिर्फ आयुषी का नाम, गुमनाम जिंदगी भी है, मनीष चौहान भी है, सुमित आवाना, आवारा है क्या, आवाना है, सानू जी भी है, बहुत बढ़िया, वेदांत, सानू, सबका जवाब आ रहा है। आइए देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, जिसमें दोनों कैरेक्टर हो वही जवाब होगा, जिसमें सजीवों वाले लक्षण भी हो दोस्तों और निर्जीवों वाले लक्षण भी हो, उसी को हम बोलेंगे सजीव निर्जीव जगत के मध्य की कड़ी। अब जरा बताइए, जीवाणु, जीवाणु तो सजीव होता है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या विषाणु, सही जवाब दोस्तों पता है क्या हो जाएगा, वायरस। क्यों भैया, वायरस का लैटिन भाषा में मतलब ही होता है विष, मतलब पॉइजन। वायरस का दोस्तों लैटिन भाषा में मतलब ही क्या होता है, विष। अगर आपसे कभी भी पूछे कि वायरस का लैटिन भाषा में क्या मतलब होता है, तो वायरस का लैटिन भाषा में मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, वायरस के अंदर सजीव वाले लक्षण भी है और निर्जीव वाले लक्षण भी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वायरस को जैसे ही किसी लिविंग सेल में डालेंगे तो वायरस जो होता है वो ग्रोथ करेगा, अपने सेल को डिवाइड करेगा, ठीक है, अपने कोशिका का विभाजन करना शुरू कर देगा। तो वायरस के अंदर सजीव लक्षण तो है, लिविंग कैरेक्टर भी उसके पास पाए जाते हैं, ठीक है। अब वायरस जो होता है उसके पास नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है, निर्जीव चीजें भी हैं। कैसे, जब आप वायरस को किसी ऐसी चीज में डाल देंगे जैसे प्लास्टिक के बोतल वगैरह में डाल दीजिए, ठीक है, अब प्लास्टिक का बोतल बंद कर दीजिए, जब आप वायरस को प्लास्टिक के बोतल में डाल देंगे और प्लास्टिक का बोतल बंद कर देंगे, अगर बोतल आप फेंक देंगे तो वायरस, अगर वो बोतल 1 करोड़ सालों तक पड़ा रहा तो वो वायरस भी उसके अंदर 1 करोड़ सालों तक पड़ा रहेगा, उसके अंदर जरा सा भी मूवमेंट आपको रिपोर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर 1 करोड़ साल तक कोई भी चीज अगर मूवमेंट नहीं कर रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे, तो नॉन लिविंग बोलेंगे। लेकिन 1 करोड़ साल बाद भी अगर आप इसको निकाल के किसी लिविंग सेल में डालेंगे, ये अपने नंबर को दोस्तों तुरंत क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। तो वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच की कड़ी है। किसने खोजा था वायरस को सबसे पहले, तो एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम इवानवस्की, एक रूस के साइंटिस्ट थे, और सबसे पहला वायरस अगर पूछा जाए कौन सा खोजा गया, तो TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फल की मध्य फल भित्ति खाने योग्य अथवा खाने के काम आती है, अनानास, नारियल, आम या गेहूं, जल्दी से बताइए फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग डेली लाइफ में इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए फटाफट, आया जवाब भैया, चलिए आइए देखते हैं। मध्य फल भित्ति मतलब फल को जब भी आप देखेंगे ना, तो फल में 3 लेयर होती है, एक होती है बाह्य फल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति और एक होती है अंतः फल भित्ति। बस ऐसे आप जुगाड़ लगा लीजिए, देख लीजिए अनानास,
तो अनानास हो गया, नारियल हो गया, आम हो गया, गेहूं हो गया। अब जरा देखना अनानास की, अगर आप देखेंगे ना तो अनानास में बाहरी चीजें तो आप क्या करते हैं दोस्तों, बाहरी चीज तो हटा देते हैं, मध्य फलभित्ति और अंत फलभित्ति दोनों खाते हैं उसकी, है ना, कुछ बीज जैसी संरचना उसमें नहीं होती है। नारियल, नारियल का तो एंडोस्पर्म खाते हैं या भ्रूणपोष, याद रखना, अगर नारियल पूछे तो क्या बताएंगे, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, इसका भ्रूणपोष खाते हैं, जो पानी पीते हैं वो वाटर एंडोस्पर्म, ठीक है। गेहूं, गेहूं का आप एक तरीके से एम्ब्रियो खाते हैं, भ्रूण। आम का देखो, आम का छिलका नहीं खाते, मतलब वाय फलभित्ति नहीं खाते, आम की गुठली भी नहीं खाते, अंतः फलभित्ति भी नहीं खाते, आम का सिर्फ गूदा लेते हैं सनसनाते हुए, है ना, और इसी मिल्क शेक बना के पीते हैं। सही जवाब आम। चलो आम का वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जल्दी से बता दीजिए भैया, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। सबका जवाब सही आ रहा है ऑलमोस्ट, तो मैंजीफेरा इंडिका बिल्कुल सही जवाब है। कभी कभी नारियल का भी वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा है, जल्दी से बता दीजिए भाई वैज्ञानिक नाम ऑफ नारियल क्या है, नारियल का साइंटिफिक नेम दोस्तों क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए तो क्या जवाब देंगे जल्दी से बता दीजिए। तो नारियल का अगर पूछ लिया जाए ना तो नारियल का वैज्ञानिक नाम आप बताएंगे कॉकस न्यूसीफेरा। कॉकस न्यूसीफेरा, ठीक है। क्लियर है, चलिए सूची एक को सूची दो से मैच कराना है, भौतिक राशि और मात्रक, आवेश, ध्वनि तीव्रता, दाब और आवृत्ति। फटाफट दोस्तों, चार ही क्वेश्चन है लेकिन पांच आपके आंसर दिए हुए हैं, तो जरा दिमाग लगा के आप जवाब दीजिएगा, फटाफट जल्दी जवाब दीजिए, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। जवाब आना शुरू हो गया है, नीरज राज, बी सोनम मौर्य, बी रुचि, नेहा, कीर्ति, सानू, वेदांत, अस्तिका, शशि, मनीष, नेहा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, वेरी गुड। आइए देखते हैं आवेश का मात्रक, तो आप सबको पता ही है बाबू, कुलाम होता है, धारा प्रवाह की दर, है ना। दाब का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दाब का तो आपको पता है पास्कल नहीं दिया हुआ ना, पास्कल दिया नहीं तो बार हो जाएगा। आवृत्ति का दोस्तों हर्ट्ज हो जाएगा, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, न्यूटन को छोड़ देना बल का है, ठीक है। तो आइए ए का हो गया तीन, और ए का हो गया तीन तो आंसर सनसनाते हुए बना आपका, बी का हो गया टू, ओके गाइज, सी का हो गया फोर गाइज, और डी का हो गया वन, फटाफट आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है ना, ये तो पता होगा आप सबको, नहीं पता है, पता होगा, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर बदल रहे हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं, यह जवाब आपको देना है, जल्दी से बताइए मानव के अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं भैया, बता दीजिए फटाफट। जल्दी से बताइए भैया, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। आइए देखते हैं, तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए मानव में कितने, देखो कंकाल दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, एक होता बाहरी एक होता आंतरिक। बहुत लोग का जवाब आ रहा है डी 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 डी, भूत भी जवाब दे रहे हैं। आइए देखते हैं, कंकाल होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, एक होता है बाहरी कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। ध्यान से सुनिए, बाहरी कंकाल हमारी क्या है, तो त्वचा है, नाखून है, बाल है। अब आप कहेंगे सर इसमें हड्डी तो है नहीं, तो भैया बाहरी कंकाल के लिए जरूरी नहीं कि उसमें हड्डी हो तभी आप उसको बाहरी कंकाल बोलेंगे। यदि बाहर से कुछ आपको सुरक्षा दे रहा है तो आपका बाहरी कंकाल है, जैसे एक मछली का बाहरी कंकाल, उसके स्केल्स होते हैं, फिन होती है, जैसे एक सांप का बाहरी कंकाल, उसकी बाहरी त्वचा होती है, उस तरीके से आपके बाहरी कंकाल आपकी त्वचा, बाल हो, नाखून होते हैं, दांत भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ना नहीं होता। अंतः कंकाल के बारे में बात किया जाए तो अंतः कंकाल 206 हड्डियों से मिलकर बना है, और इन 206 हड्डियों को पुनः वैज्ञानिकों ने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या है, जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे हाथ पैर कट जाए ना बाबू, स्टील का लगा लीजिए, लोहे का लगा लीजिए, टाइटेनियम का लगा लीजिए, कभी देखिए किसी खोपड़ी पीतल की लगी नहीं, तो खोपड़ी क्या हो जाएगा, अक्षीय कंकाल, जो सबसे मुख्य रूप से है, जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पसलियां देखें कभी स्टील की लगी नहीं, वो भी अक्षीय कंकाल है। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी देखें नहीं, तो वो भी अक्षीय कंकाल है। तो अक्षीय कंकाल खोपड़ी हो गया, रिप्स हो गया, और बैकबोन हो गया, याद रखना। किसके बारे में पूछ रहा है, अक्षीय कंकाल, तो निकाल लीजिए सनसनाते हुए, खोपड़ी में होती है कुल 29 हड्डी,
पसली होती है 24, लेकिन एक ब्रेस्ट बोन होती है जिससे टोटल होगी 25, और रीढ़ की हड्डी होती है गाइस 26, जरा जोड़ो 9, 5, 14, 26 के जीरो हासिल लागे दू तिहाई 6 दुनी 8, कितनी हड्डी हो जाएगी तो 80 हड्डियां हो जाएंगी। अक्षी कंकाल में बच रहा है क्या, तो अनुबंधी कंकाल बच रहा है, तो हाथ पैर किसमें आ जाएगा, अनुबंधी कंकाल में टोटल होती है 206, माइनस करो 206 माइनस करोगे तो 126 हड्डी किसमें आ जाएगी, अनुबंधी में। तो अक्षी कंकाल पूछा है, मैंने आपको टोटल बता दिया कि अक्षी कंकाल में 80 हड्डियां हैं और अनुबंधी कंकाल में 126 हड्डियां। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का मात्रक बता दीजिए, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड माइनस वन, जल्दी बताओ वेग का मात्रक क्या होता है, जल्दी से जवाब देना है। वेग का अगर मूल मात्रक पूछा जाए तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या जवाब होगा, किसका किसका जवाब आया भाई, उत्तम कुमार, राहुल, सानू, बी 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 बी, अरे बी 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 बी, तुम लोग चल रहे हो एकदम सनसनाते हुए, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार रूप से बच्चों का जवाब आता हुआ, क्या बात है भाई, उड़ा दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही जवाब, मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। बच्चों में दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन उनमें से किस एंजाइम की सहायता से पैरा कैसीनेट में परिवर्तित होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 बार ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको कि भैया दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन है उसको पैरा कैसीनेट में कौन चेंज करेगा, या आप ये कह सकते हैं सिंपल रूप में अगर देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि बताओ गाइज दूध को दही में कौन परिवर्तित करेगा, ये भी कह सकते हैं। अगर आप नहीं कहना चाह रहे कैसीन को पैरा कैसीनेट तो आप ये भी बोल सकते हैं कि दूध को दही में कौन चेंज करता है, अब आप जवाब दे दीजिए फटाफट। देखिए छोटे बच्चों में एंजाइम ज्यादा पाई जाती है, ऑप्शन आपके पास ट्रिप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन या न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में पाई जाएगी, है ना, न्यूक्लियस एंजाइम दोस्तों कहां पाई जाएगी, न्यूक्लियस में, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन होगा नहीं, ट्रिप्सिन होगा नहीं, फैट प्रोटीन की तो ये भी है लेकिन ये पैंक्रियाज से निकलती है, पेट में ये एंजाइम निकलती है, पेट की एंजाइम होती है, पेट में निकलती है ये एंजाइम, याद रखना कहाँ निकलती है, पेट में, छोटे बच्चों में ज़्यादा निकलती है, हालांकि हमारे पेट में अगर देखा जाए तो अब प्रोटीन तो हम भी खाते हैं तो हमारे अंदर पेट में जो ज़्यादा डाइजेशन करेगी वो पेप्सिन करेगी, और छोटे बच्चों में जो डाइजेशन करेगी प्रोटीन वो रेनिन करेगी, क्योंकि छोटे बच्चे खाते हैं दूध पीते हैं, और हम तो बहुत सारी प्रोटीन वाली चीज़ लेते हैं, पनीर भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, तो उन सबको कौन करेगा, तो दोस्तों उन सबको करेगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन छोटी हाथ में करती है, ठीक है, सही जवाब रेनिन। नेक्स्ट पे चले, आई निम्न में से कौन सा तत्व रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम या लोहा, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, क्या जवाब हो जाएगा बताओ भाई, कम ऑन जल्दी से बताइए, वेरी गुड, आइए देख लेते हैं गाइस क्या सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत सारे लोग का जवाब आ गया, उत्तम कुमार डी कह रहे हैं, वेदांत, अस्तिका, सोनू, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, आइए देखते हैं ध्यान से देखिए। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में, जरा बताओ हीमोग्लोबिन में क्या है, तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों दो चीजें होती हैं, हीमोग्लोबिन में दोस्तों कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, इस बात को ध्यान रखना, पहला है हीम, और हीम में होता है गाइस आयरन, एंड व्हाट अबाउट ग्लोबिन, तो ग्लोबिन इज अ प्रोटीन मैन, और ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन की वाहक होती है, और ब्लड को लाल रंग कौन देता है, तो आयरन देता है, याद रखना। तो आयरन चाहिए सर, क्या चाहिए सर, लोहा चाहिए, जिंक चाहिए इंसुलिन के लिए, इंसुलिन में जस्ता ज्यादा होता है, आयोडीन चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, ये आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी कह सकते हैं, पोटेशियम आपके चाहिए ब्रेन और मसल्स के लिए, याद रखना सोडियम और पोटेशियम किसके लिए चाहिए, तो सोडियम और पोटेशियम बाबू चाहिए आपको ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, क्लियर है, उड़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे चले, बताओ एपिस इंडिका किसे कहते हैं, मधुमक्खी को, रेशम कीट को, लाख का कीट या केचुआ, जल्दी से बताइए,
फटाफट बताना है एपिस इंडिका क्या है। ये वैज्ञानिक नाम के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, जल्दी बता दीजिए। वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है एपिस इंडिका। रेशम कीट क्या होता है? रेशम कीट, पहले जवाब आप लोग दे दीजिए फिर मैं बताता हूँ। देखते हैं भैया किसका जवाब आया। गुमनाम जिंदगी धर्मेंद्र, रौनक प्रजापति, प्रियंका कुमारी, उत्तम, राहुल, नीरज, सोनम, पावड़िया, चांदनी, जल्दी बताइए। कुछ लोग तो डी बता रहे हैं। भैया केचुआ का इसोनिया फोटिडा होता है, इसोनिया फेटिडा, इसोनिया फोटिडा कहा जाता है। लाख रेशम एक ही है, बॉम्बैक्स मोरी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? बॉम्बैक्स मोरी। क्या बोलेंगे बाबू? तो बॉम्बैक्स मोरी बोलेंगे। सही जवाब गाइस क्या होगा? तो एपिस इंडिका बोलते हैं मधुमक्खी को। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले आओ। नेक्स्ट, हृदय का कृत्रिम पेसमेकर निम्न में से किस पर आधारित है? विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, अन्योन्य प्रेरणा, या विद्युत चुंबकीय फ्लक्स? जल्दी बताना हृदय का कृत्रिम पेसमेकर किस पर आधारित है, यह जवाब दोस्तों आपको देना है। जल्दी बताइए फटाफट। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। चलिए, तो आप सबको पता है कि कृत्रिम पेसमेकर एक तरीके से विद्युत धारा से चल रहा है, लिथियम बैटरी से चलता है। आपको पता है कि किसी भी बंद सर्किट में, बंद परिपथ में यदि विद्युत फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित कर दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण भी उसका एक तरीके से क्या हो जाता है दोस्तों? संवर्धित हो जाता है। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और हृदय का कृत्रिम पेसमेकर जो है ये एक बैटरी से बना होता है जिसका नाम है लिथियम बैटरी। याद रखना बैटरी से चलने वाला है ये। मार्केट में 15 साल, 20 साल, 25 साल वाले जो हैं वो उपस्थित हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं? किसी यंत्र के द्वारा या इनमें से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के पता लगाएंगे? वोल्टमीटर, डायनेमो, गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर? जल्दी से आपको बताना है क्या जवाब हो जाएगा। सब आपको पता है वैसे, सारी चीजें आपको इसमें से पता होंगी। फटाफट आपको जवाब देना है। चलिए भाई जल्दी 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 जवाब आना चाहिए गाइस। आरु, स्तिका, नैना, आयुषी, प्रियंका, डी 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 डी। अच्छा ओम मीटर, तो ओम मीटर तो फिर आवेश कैसे पता लगाएंगे? जो आवेश होता है एक तरीके से उसको पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर सही जवाब है ना भाई? गैल्वेनोमीटर लगाते हैं वो, देखिए उसकी जो रीडिंग है वो सनसनाते हुए भागती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा एक तरीके से विद्युत परिपथ में किसी भी सर्किट में आप पता लगा सकते हैं क्या आप करंट का पता लगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर पूछा जाए कौन कनेक्ट करेगा तो कौन करेगा तो डायनमो करेगा। वोल्टमीटर वोल्ट का पता लगाता है, विभव का पता लगाता है। सही जवाब सी। चलो ये बताओ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? डायनमो। अगर मैं पूछूं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, जवाब देना है। जल्दी से बताइए फटाफट भाई, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। बता दीजिए भैया, बता दीजिए भैया, जल्दी से बता दीजिए। चलिए भाई आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल मतलब विद्युत से चले और कुछ मैकेनिकल यांत्रिक काम करे तो मोटर हो जाए भैया, जिसे पानी होने वाली मोटर होती है, बिजली सॉकेट पे लगाया और सन से बिजली दबाए, बिजली पाया, पानी उठा के रख दिया, तो यांत्रिक ऊर्जा है ना। सही जवाब हो जाएगा मोटर, विद्युत मोटर। बताओ निम्न कौन सी राशि सदिश नहीं है?
राशियां यूनिट दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर स्केलर होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध होता है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ दिशा का बोध नहीं होता है। इसमें सारी सदिशें एक छोड़ के विस्थापन में दिशा का बोध है, वेग में भी है, बल में भी है, बल इंटू बल की दिशा में परिवर्तन, भैया दिशा तो उसमें भी है। सही जवाब हो जाएगा आयतन, भैया हर तरफ फैला है, कौन दिशा की बात करोगे, दिशा नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? भैया इससे आसान क्वेश्चन आज का कोई नहीं है, जल्दी बता दीजिए कितने जोड़ी किडनी जो होती है वो मानव शरीर में पाई जाती है, यह जवाब आपको देना है। जल्दी से बताइए मानव शरीर में कितने जोड़ी किडनी पाई जाती है, गुर्दे पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सबसे आसान क्वेश्चन आज का यही है, और सही जवाब दोस्तों कितना हो जाएगा, एक जोड़ी। इसमें कुछ और दिमाग मत लगा देना भैया। चलो किडनी की में, किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, अगर पूछा जाए किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो गाइड किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है मेरे भाई कौन, तो होती है भैया नेफ्रॉन। कौन होगा? तो नेफ्रॉन होगा गाइज, नेफ्रॉन यही करता है किडनी में फिल्ट्रेशन का कार्य। किडनी के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, वह भी नाम पूछता है, तो किडनी और लीवर में एक ही होती है, उसका नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम बाबू? पेरिटोनियम। चलिए, कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? खसरा, रुबेल या रुबेला भी कहते हैं इसको, हैजा और एड्स, बताओ इनमें से कौन सी डिजीज वायरस से नहीं होती है, यह जवाब आपको देना है। जल्दी से बता दीजिए भाई, खसरा है, रुबेला है, हैजा है या एड्स है? फटाफट जवाब देना है भैया, जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन से रोग वायरस जनित नहीं है, खसरा है, रुबेला है, हैजा है या एड्स है? देखो खसरा, मीजल वायरस, मार्बिलोरम भी कह सकते हैं, तो भैया मीजल वायरस होता है, बच्चों की बीमारी, लाल हो जाता है त्वचा। रुबेला जर्मन मीजल भी कह सकते हैं इसको, जर्मन मीजल भी इसको आप कह सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर है। सही जवाब है हैजा, क्यों? क्योंकि हैजा एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है बाबू विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम होगा दोस्तों? तो विब्रियो कॉलेरी, गंदे पानी से, गंदे खाने से, पनीर पुलाव ज्यादा बच्चे के ब्याह वाला खाओगे चार पांच दिन धर के, तो हैजा से पीड़ित हो जाएंगे, लूज मोशन और उल्टियां चालू हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, एड्स भी क्या है? एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस? एचआईवी। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पीयूष, बताओ जल्दी से बताओ, बहुत बार बताया हूं, जल्दी से जवाब दे दीजिए फटाफट। क्या जवाब होगा? हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सी पूछ रहा है दोस्तों? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको बताना है कि हमारे शरीर की कौन सी सबसे बड़ी है, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। और ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, जल्दी से बताओ क्या जवाब हो जाएगा भाई। तो मैंने आपको बहुत बार बताया, देखिए सबसे छोटी अगर पूछा होता तो पीयूष नहीं लगाना है। हाँ ऑप्शन में तो पीयूष लगा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी अगर पूछेगा तो आप बताएंगे पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए पीनियल ग्रंथि, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो हार्मोन बनाती है। अब अगर हार्मोन बनाने में सबसे बड़ी पूछा जाए तो थायराइड बताएंगे, गले में स्थित होती है, 15 से 20 ग्राम वेट होता है बस। कितना वेट होता है भाई? तो 15 से 20 ग्राम इसका भार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्लियर है? ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया रोग में निम्नलिखित में से किस रुधिर कणिका की संख्या बढ़ जाती है? बहुत बढ़िया, ल्यूकीमिया के बारे में दोस्तों पूछ रहे हैं, मान लीजिए आज का अंतिम ही क्वेश्चन है,
तो जल्दी जल्दी बताइए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, धड़ाधड़ रूप से जवाब आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फटाफट बताइए किसका जवाब आया, आशीष, नैना, सानू, उत्तम, आरु, राजू, नेहा, नंदिनी, सोनू, वेदांत, आयुषी, चौरसिया। और देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे ब्लिंक भी हो रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बैच वैच भी ले सकते हैं भैया, 1500 रुपया, 2000 रुपया में, है ना, लाइव फ्रॉम क्लासरूम ऑनलाइन कोर्स, प्लस यूपी वाला जो होली का ऑफर चल रहा है वो भी ब्लिंक कर रहा है आप सबको, है ना, वो भी आप सब देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ल्यूकेमिया का मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी ना, क्यों बनेंगी, एंटीबॉडीज का काम होता है बाहर की चीजों को मारना। गाइज याद रखना, एंटीबॉडीज बाहर की चीजों को दोस्तों मारती है, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा कि एंटीबॉडीज बाहर की चीजों को मारती है, लेकिन जब ज्यादा एंटीबॉडीज बनने लगेंगी ना तो वो ये नहीं देखेंगे कौन अपना कौन पराया, वो सबको मारेंगी फिर, और जब सबको मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, और ये तब होगा जब WBC बढ़ेंगे, और WBC जब बढ़ेगा ना बेटा, इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी कि वो ये नहीं देखेंगे कि कौन अपना अंग है कौन पराया, वो सारे अंगों को डिस्ट्रॉय करेंगे, और इससे ही ब्लड कैंसर कहते हैं गाइस, क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत। तो सही जवाब हो जाएगा WBC, प्लेटलेट्स बढ़ेगा, थ्रोम्बोसिस होगा, थ्रोम्बोसिस मतलब अंदर भी ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, अंदर भी ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। RBC बढ़ा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा भैया कि आर्टरीज वगैरह रप्चर होने के चांसेस है, ठीक है, सही जवाब WBC। तो गाइज इतना ही आज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है। एक स्लाइड के बारे में दोस्तों देख लेते हैं, आइए, एक स्लाइड हमारी अंतिम में लगी थी भैया, मैंने आपको बहुत बार बताया होली ऑफर के बारे में, भैया जानते रहिए जितने भी उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट है, प्लस 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, तो इस होली पर सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए है, 90% तक की छूट ऑनलाइन कोर्सेज पर। कैसे ले सकते हैं, उत्कर्ष एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और इसका मजा लीजिए, प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी अपने दोस्त को खरीद के भी उपहार के रूप में दे सकते हैं आप इस होली पे, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं आप सबको, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।